जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं काट्सा एक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काट्सा एक्ट काफी न्यूज में चल रहा है और अमेरिका और इंडिया से इसका क्या संबंध है, क्या प्रभाव इसका पड़ने वाला है और क्या है काट्सा एक्ट का संबंध S-400 डील से, आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस धमाकेदार टॉपिक को पढ़ने के। दोस्तों यहाँ से काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों, अगर बात करें काट्सा एक्ट की, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्यों ये न्यूज़ में आया है। दोस्तों तो सबसे पहले अगर बात करें तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि दोस्तों यहां पर अमेरिका ने एक धमकी भरा कहेंगे, या फिर दोस्तों एक तरह से हम कहेंगे कि अगर यहां पे एक चेतावनी तौर पर यहां पर इंडिया को कहा गया है कि अगर इंडिया अभी भी अपनी S-400 डील को जारी रखता है रशिया के साथ, तो फिर दोस्तों भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। ऐसा अभी कुछ सिग्नल दिया गया है किसके द्वारा, यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शेरमैन के द्वारा। दोस्तों ये इंडिकेट किया गया कि वॉशिंगटन कर सकता है कंसीडर उन सैंक्शंस को अगर इंडियन गवर्नमेंट अपनी डील को जारी करती है, यानी अगर किसी भी तरह की डील दोस्तों यहां पर रशिया के साथ हमारी S-400 की होती है, तो यहां पर जो उनके डिप्टी सेक्रेटरी हैं वेंडी शेरमैन, उनका है कि वॉशिंगटन शायद सैंक्शन लगा सकता है। तो दोस्तों एक काफी बड़ी न्यूज आ रही है यहां पर कि किस प्रकार की चीजें होंगी। तो दोस्तों यहां पर क्या हो सकता है एक बार बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम बात करें तो 2016 में भारत और रूस के बीच में डील हुई थी जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदने की बात भारत ने की थी, और दोस्तों इसी S-400 डील की वजह से अमेरिका लगातार शुरुआत से ही भारत को चेतावनी देता आ रहा है कि वो डील ये कैंसिल की जाए वरना भारत के साथ संबंध अमेरिका के खराब हो सकते हैं। और इसी डील के चलते दोस्तों पहले तुर्की यानी तुर्की पर दोस्तों सैंक्शन लग चुके हैं, सैंक्शन लगा चुका है अमेरिका इस परचेज के बाद। तो यहां भारत को भी उसने यही चेतावनी दी है कि अगर भारत इस डील पर आगे बढ़ता है तो दोस्तों यहां पर संबंध खराब हो सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें कि ये क्या है काट्सा एक्ट, यानी कंटूरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये है क्या दोस्तों? तो इसको दोस्तों 2017 में लाया गया था, यूएस फेडरल लॉ है दोस्तों जिसको उस समय लगाया गया था ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया पर। इसके साथ साथ दोस्तों ये सैंक्शन जो है ये उन सभी देशों के, उन सभी कंट्रीज के अगेंस्ट होता है दैट एंगेज इन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विद रशियास डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सेक्टर, यानी जो भी देश किसी भी तरीके के सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन में रशिया के साथ होता है, चाहे वो डिफेंस का ट्रांजैक्शन हो या फिर इंटेलिजेंस के सेक्टर का ट्रांजैक्शन हो, ऐसे देशों के विरुद्ध भी दोस्तों काट्सा एक्ट के माध्यम से अमेरिका प्रतिबंधों को लगाता आ रहा है। इन दोस्तों काट्सा एक्ट के अंतर्गत 12 प्रकार के यहां पर सैंक्शन जो होते हैं वो अमेरिका उन सभी देशों पर लगाता है जिनको सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन के रूप में देखा जाता है रशिया के साथ। यानी अगर किसी भी देश के कुछ भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो यूएस डिपार्टमेंट तय करता है वो पाए जाते हैं रशिया के साथ, तो उनको दोस्तों काट्सा एक्ट के तहत प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। इसका अगर अल्टीमेट गोल की बात करें दोस्तों तो केवल एक ही गोल है, वो है रशिया तक रेवेन्यू के फ्लो को रोकना, यानी रशियन गवर्नमेंट को किसी भी तरह का कोई भी रेवेन्यू ना मिल पाए ऐसा प्रयास करना, ये अमेरिका का दोस्तों यहां पर अल्टीमेट गोल इस एक्ट के माध्यम से रहता है। अब यहां अगर बात करें दोस्तों कि भारत के क्या कंसर्न है, भारत क्यों चिंतित है या भारत को क्या यहां पर सोचना चाहिए, कौन कौन से भारत के इश्यूज हैं यहां पर S-400 संबंधित या बाकी जो इश्यूज हैं उनकी अगर बात करें दोस्तों, तो भारत की पहली जो मुख्य चीज है वो है 39,000 करोड़ की ये S-400 ट्राइम्फ लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की। जी हाँ दोस्तों, भारत ने 2016 में इसकी बात की थी और 2018 में जो अल्माज एंटी कॉरपोरेशन ऑफ रशिया है उसके द्वारा हम लोगों ने 39,000 करोड़ की ये डील की थी जिसमें S-400 ट्राइम्फ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हमें मिलने वाला था, जो कि 2021 में दोस्तों हमें मिल सकता है। अगर काट्सा एक्ट दोस्तों आता है तो इस डील पर दोस्तों यहां पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बात करें तो S-400 के अलावा भी रशिया से हमारे प्रोजेक्ट 1135.6 फ्रिगेट्स की बात चल रही है, K-2630 हेलीकॉप्टर की बात चल रही है, जो भी दोस्तों इफेक्टेड होने के चांसेस हैं अगर ये सैंक्शन पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे ज्वाइंट वेंचर्स हैं जैसे इंडो रशियन एविएशन लिमिटेड, मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिमिटेड एंड ब्रह्मोस एयरोस्पेस, इस पर भी दोस्तों खतरे के बटन मंगा रहे हैं, ये भी दोस्तों प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी तरह के भारत के रशिया से परचेज हैं संबंध है दोस्तों, वो सभी तरह के चीजें प्रभावित आगे हो सकती हैं अगर ये काट्सा एक्ट यहां पर लगाया जाता है, भारत पर सैंक्शन लगाए जा सकते हैं।
दोस्तों यहीं पर अगर बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, सिप्री जो है, उसके आर्म्स ट्रांसफर डेटाबेस के ड्यूरिंग बात करें दोस्तों टॉप आर्म सप्लायर रहा है रशिया। जी हाँ दोस्तों, 2010 से लेकर 17 के बीच में सबसे बड़ा सप्लायर रहा है हमें हथियारों का रशिया। हमने सबसे ज्यादा हथियार उससे खरीदे हैं। तो अगर यहाँ पर कट साइड लगता है दोस्तों, तो यहाँ पर ये संबंध सारे खराब होते हैं और भारत की सप्लाई यहाँ पर दोस्तों रुक सकती है। अब यहां दोस्तों ध्यान देने वाली एक बेसिक बात यह है कि जो 12 टाइप के सैंक्शंस काट्सा एक्ट के अंतर्गत लगते हैं, उनमें से 10 तो ऐसे हैं जिनका लगभग लगभग नगण्य, जब जिनका लगभग लगभग शून्य प्रभाव पड़ेगा भारत और रशिया के संबंधों पर या भारत और अमेरिका के संबंधों पर। लेकिन दोस्तों दो सैंक्शन उसमें ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है भारत अमेरिका और भारत रशिया के संबंधों पर। उनमें कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे पहला है वो है प्रोहिबिशन ऑफ द बैंकिंग ट्रांजैक्शन। जी हां दोस्तों, पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं दोस्तों, वो स्विफ्ट सिस्टम के अंतर्गत होते हैं। जी हां, स्विफ्ट सिस्टम के अंतर्गत वो ट्रांजैक्शन होते हैं। और ये स्विफ्ट जो एक तरह का पेमेंट गेटवे कह लीजिए या फिर इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम कह लीजिए, इस स्विफ्ट सिस्टम पर पूरा अधिकार दोस्तों अमेरिका है। यानी अगर हमें कहीं भी डॉलर्स में पेमेंट करना होगा तो हमें दोस्तों स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का यूज करना ही होगा। अब अगर ऐसे में काटसा हम पे लगता है तो यहां पर दोस्तों हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए प्रोहिबिट कर देंगे और हम किसी भी देश को डॉलर में पेमेंट ना तो कर पाएंगे और ना ही ले पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा दोस्तों हम पर प्रतिबंध लग सकता है अगर ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो इससे सारी डील्स और सभी तरह के पेमेंट्स दोस्तों हमारे इफेक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरे सैंक्शन की बात करें जो भारत पर बहुत ही बड़ा कॉन्सिक्वेंस डालेगा, वो है दोस्तों एक्सपोर्ट सैंक्शन। जी हां, जितने भी तरह के दोस्तों अमेरिका के साथ हमारे एक्सपोर्ट हैं या इंपोर्ट हैं, वो सभी तरह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंप्लीटली डीरेल हो जाएंगे और जो इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी दोस्तों। तो इस पर बहुत ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत है कि किस तरीके से इसको रोका जाए और किस तरीके से इसको दोस्तों यहां से हटाया जाए। अब तो यहां पर इंडिया पर प्रभाव इसलिए पड़ने वाला है क्योंकि इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्गर क्रिटिकल ट्रेड टाइज हैं दोनों ही कंट्री का। जी हां दोस्तों, भारत के जो संबंध हैं, चाहे वो हम डिफेंस की बात करें या बाकी चीजों की बात करें, भारत के दोनों ही देशों के साथ बहुत ही मजबूत और बहुत ही जटिल संबंध यहां पर हैं, चाहे वो रशिया हो चाहे वो अमेरिका हो। इसीलिए अगर काटसा यहां पर लगता है तो भारत के लिए बहुत ज्यादा दोस्तों दिक्कत यहां पर होने वाली है। रशिया की बात करें तो हम सभी जानते हैं मेजर डिफेंस सप्लायर है। 6 डिकेड से पिछले 60 वर्षों से भी अधिक समय से भारत जो है वो रशिया से उसके हथियार खरीदता रहता है। और ईरान भी दोस्तों इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है। तो यहां पर अगर काटसा भारत पर लगता है तो ईरान और रशिया से भारत को होने वाले फायदे दोस्तों दोनों ही खत्म हो जाएंगे और दोनों की सप्लाई दोस्तों भारत के लिए बंद हो जाएगी, जिससे भारत के सामने बहुत बड़ा खतरा दोस्तों मंडराता हुआ दिखाई देता है। अब यहां अगर देखें तो इंडिया के सामने बहुत ही धन संकट है। अगर इंडिया दोस्तों अपनी डील को कट नहीं करता है ईरान के साथ, रशिया के साथ, तो काटसा एक्ट दोस्तों भारत और यूएस के संबंधों खराब कर देगा। और अगर दोस्तों भारत संबंधों को खराब नहीं होने दे तो उसे वहां पे डील अपनी कैंसिल करनी पड़ेगी, जिससे भारत के वहां भी संबंध और सप्लाई दोनों ही यहां पर खराब हो जाएंगे। तो भारत को इस समय बहुत ही ज्यादा शांति से और बहुत ही ज्यादा यहां पर सोच विचार कर फैसले आगे लेने होंगे। देखने वाले होंगे क्या फैसले भारत सरकार लेती है। अब यहां दोस्तों फ्यूचर की बात करें तो बहुत ही मेजर इरिटेंट है इन द बायलेटरल रिलेशनशिप एंड द करंट वेवर्स आर लाइकली टू ईज अ सिचुएशन कंसीडरेबली। नॉर्थलेस द रिस्क ऑफ द सैंक्शन अगेंस्ट द एनर्जी स्टेट विद द ईरान एज लूम्स लार्ज व्हिच कुड रिवाइव द टेंशन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी अगर होगा, अब अगर कुछ भी होता है, सैंक्शन लगते हैं नहीं लगते हैं, भारत डील कैंसिल करता है नहीं करता है, हर एक केस में यहाँ पर टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं भारत के लिए भी और बाकी कंट्रीज के लिए भी। जी हाँ दोस्तों, अगर भारत के सैंक्शन भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं तो भारत के संबंध तो खराब होंगे ही होंगे, अगर नहीं लगाए जाएंगे तो फिर भारत को यहाँ पर दोस्तों सही तरीके से और कूटनीति तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। ये दोस्तों देखना होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। यहां पर दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके टैरिफ और काउंटर टैरिफ दोस्तों यहां पर दोनों कंट्रीज के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखना होगा कि आगे किस तरीके से इस डील को किया जाता है और किस तरीके से इन इश्यूज को सॉल्व करती है भारतीय गवर्नमेंट और किस तरीके संबंधों को वापस से नॉर्मलाइज किया जाएगा, ये देखने वाला पॉइंट दोस्तों यहां पर रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको ये काटसा एक्ट, S-400 डील और भारत और अमेरिका और रशिया के संबंधों के बारे में जानकारी जरूर मिली होगी। आपको समझ में आया होगा पूरा ये मुद्दा क्या है और क्या है ये काटसा एक्ट और क्या है
चाहिए। S-400 डील आपको समझ में जरूर आएगी दोस्तों। मिलते रहेंगे अगली वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बन रही है दिशा पब्लिकेशन पर दोस्तों, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए और सभी इस वीडियो का फायदा दोस्तों उठा पाए। बने रहिए हमारे साथ दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। मिलते रहेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और दोस्तों आलस से हमेशा दूर रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों विदा लूंगा आपसे। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।